हे गाइस, मैं हूँ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पॉलर। तो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो इंजेक्शन मेहंदी क्लास 9th में आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिक्की मेहंदी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है और बहुत इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो टिक्की मेहंदी डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं उसको बनाना सिखाया है। अच्छा, काफ़ी सारी गर्ल्स का मुझसे क्वेश्चन था कि आप जो इंजेक्शन यूज़ करती हैं उसको आप बैक पे भी कोई चीज़ लगाती हैं, फिर पुश करके जो है वो मेहंदी लगाती हैं। तो ये देखें, ये सिंपली एक इंजेक्शन है, एप्लीकेटर मेहंदी पेन जो भी आप कहते हैं इसको। तो इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने इसके अंदर मेहंदी को ऐड करना है और हमने जो है वो मेहंदी लगाते जाना है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ भी इसके बैक पे नहीं लगती, हमने लिक्विड मेहंदी जो है वो यूज़ करनी होती है इसके अंदर। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जस्ट इसमें हमने मेहंदी ऐड करनी है और मेहंदी इस नीडल से खुद ब खुद निकलती जाएगी, ठीक है जी। और हमने इंजेक्शन को चलाते जाना है। तो YouTube फैमिली, बहुत ज़्यादा वीडियो को बनाने में मेहनत होती है, तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट किया करें और वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube चैनल फातिमा मेहंदी पॉलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले जी, हम क्लास 9 को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये है फाइनल लुक। और आज की इस वीडियो में मैं ये तमाम टिक्की मेहंदी डिज़ाइन आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्रोलिंग टिक्की मेहंदी डिज़ाइन। तो उसमें मैंने सबसे पहले सिक्सल बनाया, उसके अराउंड मैंने डॉट्स बनाए हैं, देन राउंड आउटलाइन कर दी है। और उसके बाद अगेन मैंने एक आउटलाइन क्रिएट की है, स्क्रोलिंग की है, और यहाँ पर मैंने बड़ी राउंड पत्ती का यूज़ किया है। तो इक्वली राउंड पत्ती बना के उसके बाद मैंने इन पत्तियों के बाहर एक अच्छी सी जो है वो मैंने आउटलाइन कर दी है, देन अगेन स्क्रोलिंग की है। और आप स्क्रोलिंग देख सकते हैं कि स्क्रोलिंग की एक एक पत्ती सेपरेटली नीटली दिख रही है। तो आपने अपनी स्क्रोलिंग को बहुत ज़्यादा नीट करना है। उसके बाद मैंने राइट लेफ़्ट और ऊपर नीचे मैंने गाइडलाइन के लिए 2 डबल राउंड क्रिएट किए हैं, उनके अंदर मैंने डॉट लगा दिया है। और इसी गाइडलाइन को लेकर चलते हुए मैंने जो है वो स्क्रोलिंग फ्लावर जो है वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा ये मेहंदी डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल को भी लगा सकते हैं। थोड़ी मैंने हैवी स्टाइल में ये टिक्की आपके साथ शेयर की है। तो इंजेक्शन मेहंदी में जैसे कि मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि स्क्रोलिंग जो है ना वो आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टिक्की की तरफ। तो इस टिक्की में मैंने आपको जो है वो देख सकते हैं, मैंने 4 कॉर्नर्स वाली पत्ती बनाई है, ठीक है। पहले मैंने पत्तियाँ बना ली हैं, ठीक है, फ्लावर शेप में। उसके बाद इसके अराउंड मैंने सर्कल क्रिएट करके फिल कर दिया है। और देखें, मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया था तो क्लियरली ये 4 कॉर्नर वाली पत्ती दिख रही है। उसके बाद मैंने डॉट्स बनाए हैं, डॉट्स के बाहर मैंने एक राउंड आउटलाइन बनाई है, राउंड स्मॉल पत्ती का मैंने यहाँ यूज़ किया है। उसके बाद इसके अराउंड एक राउंड सर्कल बना के मैंने इसको फिल कर दिया है और इसमें पत्तियां अच्छे से नज़र आ रही हैं, ठीक है। देन इसके अराउंड बाहर मैंने अगेन एक आउटलाइन की है, स्क्रोलिंग की है, और उसके बाद उसी मेथड को मैंने फॉलो किया है, गाइडलाइन लेते हुए मैंने ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट पे मैंने सिक्सर बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्पायरल सिक्सर का यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने स्क्रोलिंग करके तो देन जो है वो मैंने कुछ पत्तियां ऐड कर दी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारी सेकंड जो बहुत ही खूबसूरत सी मंडाला टिक्की मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं थर्ड पे, ठीक है। जो थर्ड टिक्की है उसमें हमने जो है वो थोड़ा अरेबिक स्टाइल दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक राउंड
थोड़ा सा बड़ा क्रिएट किया है, और यहाँ पे जो मैंने पत्ती यूज़ की है वो मैंने हार्ट शेप पत्ती यूज़ की है। जिन गर्ल्स ने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप पेड कोर्स नहीं कर सकते, पे करके आप मेहंदी नहीं सीख सकते, तो आप उन वीडियोज़ को देख के बहुत ईजीली मेहंदी सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने जो है वो हार्ट शेप पत्ती का यूज़ किया, और उसके बाद जो मैंने बाकी जगह बची है इस राउंड के अंदर, वहाँ पे मैंने स्मॉल जो पत्ती होती है राउंड पत्ती, उसके फ्लावर्स बना के सारा कवर किया है, और उसके बाद मेहंदी से मैंने इसको फिल कर दिया और अच्छे से प्रोमिनेंट भी हो रहा है। देन अगेन हमने इसी राउंड के बाहर एक आउटलाइन बनाई है, स्क्रोल किया है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस पे मैंने डबल राउंड करके डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो कॉर्नर वाली एक पत्ती सी बना के उसके बाद हमने एक लाइन बनाई है उसके ऊपर, और देन ये कॉर्नर स्टाइल में, लीव स्टाइल में हमने पत्तियां बना के इस टिक्की को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारी फोर्थ टिक्की जो है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपने देखा होगा अक्सर डिज़ाइनिंग में जो है मैं इस पत्ती को भी यूज़ करती हूँ, इस स्टाइल को भी यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने एक कम्प्लीटली राउंड बनाया है, राउंड के अंदर मैंने जो है वो टेरी लाइंस लगाई हैं, और कुछ इस तरह से लाइंस लगाई हैं कि बॉक्सेस बन गए हैं। बॉक्सेस बनने के बाद मैंने जो है वो डॉट डॉट लगाए हैं बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। और ये पत्ती का स्टाइल बन गया, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी पत्ती का स्टाइल आ रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने आउटलाइन करके देन स्क्रोल किया है, अगेन स्क्रोलिंग फ्लावर को मैंने यूज़ किया है डबल राउंड के साथ, और देन इसके फोर कॉर्नर्स पे मैंने पत्तियां बना दी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जी हमने जो फिफ्थ मैंने आपको टिक्की यहाँ पे बनाना सिखाई है, राउंड गोल टिक्की, तो उसमें बेसिकली मैंने कटवर्क किया है, अरेबिक स्टाइल दिया है, और आप देख सकते हैं कि पहले हम मैंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लिया। अब डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं मैंने कुछ थोड़ी बड़ी करके बनाई है, ताकि जब मैं मेहंदी से फिल करूं तो ये प्रॉपरली क्लियरली नज़र आए कि क्या बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो मेहंदी से कम्प्लीटली फिल कर लिया है, और एक एक फ्लावर, एक एक जो हमने एलिमेंट इसके अंदर बनाया है वो कम्प्लीटली दिख रहा है। उसके बाद जी इस राउंड टिक्की के अराउंड हमने एक आउटलाइन की, और यहाँ पे हमने स्मॉल स्क्रोल किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली जितनी भी मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं उनके अंदर मैंने बड़ी एक लॉन्ग स्क्रोल किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल स्क्रोल किया है। देन यहाँ पे भी मैंने बड़ी राउंड पत्ती का यूज़ किया है, उसके अराउंड मैंने जो है वो बहुत ही खूबसूरती से आउटलाइन की है, और अगेन यहाँ पे भी मैंने जिस मेथड को फॉलो किया है मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस पे यहाँ पे मैंने डबल राउंड बना के उनके अंदर डॉट लगाया है, और ये कॉर्नर वाली पत्ती को मैंने बना के यहाँ पे एज इट इज़ पूरी टिक्की में बना के मैंने आउटलाइन की है, और देन मैंने कुछ पत्तियाँ स्मॉल साइज़ की ऐड कर दी हैं, और जिससे इस टिक्की की खूबसूरती मज़ीद भर गई है, ठीक है। अब उसके बाद जी अगेन हमने एक डिफरेंट स्टाइल की टिक्की बनानी जो है मैंने इसमें आपको बताई है, ये स्टाइल जो है वो मैंने अभी तक नहीं आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने राउंड पत्ती जो है वो उसका फ्लावर बनाया है, उसके अराउंड मैंने राउंड क्रिएट करके मैंने मेहंदी से फिल कर दिया, और आप देख सकते हैं फ्लावर काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद इस राउंड के बाहर मैंने आउटलाइन की, स्क्रोल किया, स्क्रोल के बाद अगेन मैंने आउटलाइन करके बहुत नीटली एहतियात से मैंने डॉट्स लगाए हैं, कोई भी डॉट्स आप देख सकते हैं मेरा मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन मैंने जो है वो आउटलाइन की है इन डॉट्स के बाहर, और स्क्रोलिंग फ्लावर सिक्सर के साथ बना के उसके बाद कॉर्नर्स जो है वो नीचे से स्टार्ट करके मैंने जो है वो कॉर्नर बना के इस स्क्रोल फ्लावर को एक डिफरेंट स्टाइल दे दिए, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट टिक्की जो है वो उसमें हमने जो पत्ती का यूज़ किया है वो शार्प नोक वाली जो है वो कॉर्नर वाली पत्ती का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा राउंड को बड़ा नहीं बनाया, थोड़ा स्मॉल रख के मैंने इसको बनाया और उसको मेहंदी से फिल करके देन इसके बाहर मैंने
जो है वो मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। अगेन मैंने इसके बाहर आउटलाइन की है, डॉट्स लगाए हैं और उसके बाद एक बोल्ड आउटलाइन करके मैंने छोटा छोटा करके स्पाइरल को बनाया है। और देन मैंने कॉर्नर वाली पत्ती बना के, कॉर्नर वाली पत्ती के बाहर मैंने उसकी आउटलाइन की है। स्मॉल स्क्रोलिंग करके मैंने कुछ पत्तियाँ ऐड करके मज़ीद इस टिक्की को खूबसूरत बना दिया है। तो आपने भी इसी तरह से इस डिज़ाइनिंग को बनाना है, इसको ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फातिमा मेहंदी पार्लर पे प्रैक्टिस करके पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगेन जो हमने नेक्स्ट टिक्की बनाई है उसमें हमने एक राउंड बनाया, हमने रोज़ फ्लावर का यूज़ किया है और उसके बाद डबल राउंड बना के तो हमने मेहंदी से कवर करके इसके बाहर हमने आउटलाइन की है। देन आउटलाइन के ऊपर स्क्रोल किया है, स्क्रोल के ऊपर हमने एक आउटलाइन बना के उसके बाद हमने नीटली स्मॉल पत्ती, राउंड पत्ती का यूज़ करके जो है वो इसके ऊपर कम्प्लीटली हमने फ्लावर बनाए हैं। फ्लावर के ऊपर थोड़ी स्पेस रख के हमने राउंड क्रिएट करके तो हमने मेहंदी से फिल कर दिया। और आप ये दिख पत्तियाँ देख सकते हैं कि क्लियरली राउंड पत्ती दिख रही है कि जो है वो उसकी एक एक पत्ती सेपरेटली दिख रही है। उसके बाद जी हमने इसकी आउटलाइन की है, आउटलाइन के बाहर स्क्रोल किया है। देन हमने जो है वो टू डबल राउंड क्रिएट करके तो राउंड स्टाइल की स्मॉल पत्तियाँ हमने यूज़ करके उनको मेहंदी से फिल किया है। और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने जो है वो इसमें कुछ पत्तियाँ ऐड कर दी हैं। और जो पत्तियाँ हैं मज़ीद राउंड टिक्की के डिज़ाइन को खूबसूरत कर देती हैं। तो आप भी पत्तियाँ बनाना सीखें। और जो ये पत्तियाँ होती हैं ये मेहंदी में एक जान डाल देती हैं और मेहंदी को मज़ीद खूबसूरत कर देती हैं। तो गाइस आई होप कि आज की जो ये वीडियो है ना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसमें मैंने डिफरेंट स्टाइल की जो आपको टिक्की बनानी सिखाई है ना ये आप अगर सीख लेंगी इस स्टाइल को तो ये आप बहुत इजीली अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने बहुत ईजी वे में आपको सिखाया है। तो आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है अच्छे से काम को बेहतर करने की और अपने काम को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। YouTube फैमिली आई होप आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझसे कनेक्टेड रहिएगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।